हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे मिक्सचार, जो कि मैंने लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, गोभी और गाजर से बनाया है और साथ में इसके डाले हैं मैंने आंवला। मिक्सचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी चीजों को 250-250 ग्राम लिया है। गोभी का फूल आधी किलो था, ये भी 250 ग्राम हो गया है छील करके, और अदरक लिया है, गाजर ली है और लहसुन लिया 250 ग्राम ही, और ये आधी किलो लिया हुआ है आंवला। आंवले को मैंने अच्छे से स्टीमर कर लिया है। सभी चीजों को एक डब्बे में डाल देंगे, गोभी भी, अदरक भी, लहसुन भी और गाजर भी। यहाँ मैंने इसके अंदर मूली नहीं डाली, क्योंकि मूली में अपना ही स्वाद होता है, तो उससे जो है ना अदरक और लहसुन का फ्लेवर दब जाएगा। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। इसको हम रचा के रख देंगे 2 रात के लिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और कम से कम इसे 2 रात के लिए इसी तरीके से रख देंगे और बीच बीच में से हिलाते रहेंगे। ये जो हमारा आंवला है, इसे मैंने स्टीम कर लिया था, इसे भी मैं 2 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। और कुछ मैंने हरी मिर्चों को पहले ही धूप में रखा है, ताकि हमारी हरी मिर्च भी 2 दिन के अंदर अच्छे से सूख जाए। इनको हमें नमक लगाकर नहीं रखना है, आप इसमें अलग अलग कर सकते हैं। इस चार में आप पपीता भी डाल सकते हैं हरे वाला, और अगर आप और कुछ डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो आंवले को तो हम धूप में रख रहे हैं, साथ में इसके हरी मिर्च मैंने पहले से ही रखी हुई है, और इसको हिला करके 2 दिन के लिए रख देंगे। जैसे कि आज संडे है, मैंने संडे में इसको रचा दिया है नमक डाल करके, तो मंडे रखे रहने दूंगी, ट्यूजडे में इसको हम धूप में रख देंगे निकाल करके। हमारे चार को रचे हुए 2 दिन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी है। इसे हम किसी छलनी में अच्छे से निचोड़ लेंगे, और गाजर और नमक में अच्छे से नमक मिल चुका है। हमने अपने अचार का पानी निकाल लिया है, किसी छलनी से आप इसे निचोड़ सकते हैं, जिसे इसे सुखाने में हमें आसानी रहे और सारा पानी निकल जाए। यहाँ पर जो हमने आंवला लिया था, इसे भी मैंने धूप में साथ साथ सुखा दिया है, और आज भी मैं इसको सुखा दूंगी अचार के साथ में ही। और थोड़ी सी यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इसको भी मैं 2 दिन की अच्छे से धूप लगा दी है। आप आंवले को उबाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा इसका बेनिफिट लेने के लिए इसको मैंने स्टीम कर लिया था। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से 1 दिन की धूप लगा देंगे। अगर आपके इधर धूप कम है तो 2 दिन की धूप लगा सकते हैं, अगर ठीक आती है तो 1 दिन की धूप में आपका अचार अच्छे से सूख जाएगा। और आंवले को अलग से ही सुखाना है और मिर्च को भी अलग से ही, और इनको मैं सभी सब्जियों को इकट्ठा सुखा दूंगी। अचार को हमने 1 दिन की धूप लगा ली है, आप देख सकते हैं गाजर, गोभी, लहसुन, अदरक अच्छे से सूख गए हैं 1 दिन की धूप में, और मिर्चों को मैंने 3 दिन की धूप लगाई है। जब तक मेरा चार रचा तब तक मैंने इसको धूप में ही रखा, और आंवले को भी 3 दिन की धूप में अच्छे से सूख गए हैं। देख सकते हैं आप ये कितने कम हो गए हैं सूखने के बाद। अब हम इनका डालते हैं अचार। चार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में से अच्छे से धुआं निकाल लेंगे। इसको मैंने गैस पर रख दिया है, तेल का अच्छे से धुआं निकल गया है, और गैस को थोड़ा हम कम कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ पर मैंने 1 चमचा सौंफ धनिया पाउडर लिया, जो मैंने घर में ही बनाया हुआ है दरदरा। साथ में इसके हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च डाल देंगे, और अचार का हमारा कलर बना रहे इसके लिए हम कलर वाली मिर्च डालेंगे, ये कस्तूरी मिर्च। इससे जो है ना कुछ समय के बाद हमारा अचार का कलर चेंज हो जाता है, तो सेम ऐसा ही रहेगा। और ये 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे। सारे मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। और ये जो यहाँ पर मैंने मिर्च ली है, मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर चला जाए। सबसे पहले हम इस मसाले के अंदर मिर्च डाल लेंगे, और अब इसके बाद डाल देंगे हम ये अपना आंवला, ताकि इनका अच्छे से मावसर खत्म हो जाए और हमारा अचार अच्छे से लंबे समय तक चले। कम से कम इसे आप 1 से 1.5 मिनट तक के लिए मसाले में अच्छे से भून लें। 1 मिनट तक हमने मसाले में मिर्च और आंवले को अच्छे से भून लिया है, ताकि ये जल्दी सी खराब ना हो अचार के अंदर। यहाँ पर हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे, गोभी, गाजर, लहसुन और अदरक। और यहाँ पर मैंने लिया है सिरका, ये 1 कप सिरका है, इसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा तेल और डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसमें नमक। नमक इसमें हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें रचाते समय नमक डाल दिया है। अगर आपका नमक ज्यादा पड़ा है तो चख के देख सकते हैं आप। यहाँ मैं थोड़ा नमक इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि रचाने में भी इसके नमक डाल दिया था।
अगर आप और खट्टा चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधा चम्मच राई डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने राई डाल दी है और सभी को मिला लेंगे। सिरके से क्या होगा कि आपका चार लंबे समय तक चलेगा, ये पूरे आप एक साल तक 12 महीने तक इस चार को खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा तेल और ज्यादा डाल लें जो ये चार आपको लंबे समय तक खाएंगे और काफी स्वादिष्ट चार बनता है ये। और कलर की मिरस से इसका कभी कलर भी खराब नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय बाद जो धनिया और सौंफ धनिया डालते हैं उससे हमारा थोड़ा अचार काला हो जाता है। बस गैस को कर देंगे बंद, इसे ज्यादा नहीं पकाना है और चार हमारा एकदम बनकर तैयार है। और कम से कम इसे 3 से 4 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा। और इसे किसी सूखे डब्बे में बंद करके रख लें, बीच बीच में से हिलाते रहें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं और आप इस चार को काफी लंबे समय तक चला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एकदम साफ सुथरा डब्बा लिया है जो कि अच्छे से सूखा हुआ है, पानी नहीं होना चाहिए। इसको इसके अंदर भर के रख देंगे और 3 से 4 दिन के बाद ही ये खाने लायक होगा। तब इसके अंदर अच्छे से मसाले अपना फ्लेवर छोड़ देंगे। डब्बे को हम बंद करके रख देंगे 3 दिन के लिए और बीच बीच में से हिलाते रहेंगे और 3 दिन बाद दिखाएंगे हम अपना चार आपको। हमारे मिक्स चार को रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने इसको हिला भी दिया था। देख सकते हैं आप कितना अच्छा चार बना है ये। हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस चार को आप पूरे 12 महीने चला सकते हैं। ये चार काफी टेस्टी बना है, मैंने इसको पहले ही चेक कर लिया था, काफी स्वाद आया इसके अंदर। आप इसे पराठे के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं।